डियर स्टूडेंट्स, ओवर टुडे टॉपिक इज कंट्रोल स्ट्रक्चर और हमारा कोर्स है एडवांस पाइथन प्रोग्रामिंग। और इससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था व्हाइल लूप क्या होती है, उसके अलावा हमने देखा था फॉर लूप क्या होती है और रेंज का फंक्शन किस तरीके से वर्क करता है, रिवर्स ऑर्डर में किस तरह से चलती है लूप, फॉरवर्ड में कैसे चलती है। ओके स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे नेस्टेड लूप्स के बारे में और साथ में ब्रेक, कंटिन्यू, पास और एल्स स्टेटमेंट लूप के साथ किस तरह से वर्क करती है। ओके स्टूडेंट्स, नेस्टेड का वर्ड हम पहले भी सुन चुके हैं, जैसे नेस्टेड इफ एल्स हमने पढ़ा था वैसे ही नेस्टेड लूप्स होती हैं। एक आउटर लूप होती है और एक इनर लूप, लूप विद इन लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। अ लूप विद इन अ लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। इन द नेस्टेड लूप द इनर लूप इज एग्जीक्यूटेड कम्प्लीटली विद ईच चेंज इन द वैल्यू ऑफ काउंटर वेरिएबल ऑफ आउटर लूप। एनी लूप कैन बी यूज एज इनर लूप ऑफ एन अदर लूप। फॉर एग्जाम्पल, व्हाइल लूप कैन बी यूज एज आउटर लूप एंड फॉर लूप कैन बी यूज एज इनर लूप इन नेस्टेड लूप। ओके स्टूडेंट्स, आउटर लूप जो है हमारी, अगर हमारे पास कोई इस तरह का प्रोग्राम है जिसमें आउटर लूप ने 5 दफ़ा चलना है और इनर लूप ने भी 5 दफ़ा ही एग्जीक्यूट होना है, तो होता इस तरह से है कि आउटर लूप 1 दफ़ा एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद कंट्रोल हमारा शिफ्ट होगा इनर लूप में और इनर लूप हमारी 5 दफ़ा एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद हमारा कंट्रोल दोबारा शिफ्ट होगा आउटर लूप पे, सेकेंड टाइम चलेगी आउटर लूप, फिर हमारा कंट्रोल शिफ्ट होगा इनर लूप में, फिर 5 दफ़ा चलेगी, फिर कंट्रोल शिफ्ट होगा आउटर लूप पे, थर्ड टाइम जब आउटर लूप चलेगी उसके बाद फिर कंट्रोल हमारा शिफ्ट होगा इनर लूप में, फिर 5 दफ़ा चलेगी। इस तरह अगर आउटर लूप में हमने कंडीशन लगाई है कि लूप 5 दफ़ा चले और इनर लूप में कंडीशन लगाई है 5 दफ़ा चले, तो जो इनर लूप है वो 25 टाइम्स जो है वो एग्जीक्यूट होगी और जो आउटर लूप है वो 5 दफ़ा होगी। इसका मतलब ये है कि जैसे ही आउटर लूप की कंडीशन ट्रू होती है, जो हमने रेंज का फंक्शन लिखा होता है, अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमारा कंट्रोल जो है वो इनर लूप में आता है और वो लूप 5 दफ़ा एग्जीक्यूट होती है, उसके बाद कंट्रोल दोबारा हमारा आउटर लूप में शिफ्ट होता है। इसी तरीके से हमारी लूप जो है वो तब तक चलती रहती है जब तक आउटर लूप की आइट्रेशन जो है वो कंप्लीट ना हो जाए। और स्टूडेंट्स, जो नेस्टेड लूप होती है उसमें ऐसे भी हो सकता है कि आउटर लूप जो है वो फॉर लूप हो और इनर लूप जो है वो व्हाइल लूप हो। इसी तरीके से आउटर लूप जो है वो व्हाइल लूप और जो इनर लूप है वो फॉर लूप, या फिर इस तरह से भी हो सकता है कि आउटर लूप भी जो है वो व्हाइल लूप हो और इनर लूप भी व्हाइल लूप हो। इसी तरीके से आउटर लूप भी जो है वो फॉर हो सकती है और इनर जो है वो भी फॉर लूप हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, इसको लिखने का जो सिंटैक्स है वो हम देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास ये एक आउटर लूप है और फिर हमने एक वाइट स्पेस दी और इनर लूप और उसकी स्टेटमेंट्स। इसी तरीके से हमारे पास व्हाइल लूप, उसके बाद स्पेस और इनर व्हाइल लूप। तो सिंपल सा सिंटैक्स है इसका। हमने इंडेंटेशन करनी है जब इनर लूप बनाएंगे और जब उसकी स्टेटमेंट्स लिखनी है, दोबारा से हमने स्पेस देनी है
इस तरीके से जो है इसका सिंटैक्स लिखा जाता है। अब फाइनल नोट ऑन लूप नेस्टिंग इज दैट वी कैन पुट एनी टाइप ऑफ लूप इनसाइड ऑफ एन अदर टाइप ऑफ लूप। ओके स्टूडेंट्स, इस लाइन का यही मतलब है कि जो आउटर लूप है इसकी टाइप और जो इनर लूप है उनकी टाइप जो है वो चेंज भी हो सकती हैं। जैसे आउटर लूप इस एग्जाम्पल में देखें तो आउटर लूप जो है वो फॉर लूप हो सकती है और इनर वाइल लूप हो सकती है, और इस वाली में इनर जो है वो फॉर लूप होगी और जो आउटर है वो वाइल लूप हो सकती है। ओके स्टूडेंट्स, अब इसकी एक एग्जाम्पल देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम डेट डिस्प्ले द फॉलोइंग आउटपुट यूजिंग लूप्स। अब स्टूडेंट्स, जब इस तरह के हमारे पास पैटर्न आ जाते हैं तो उसके लिए हम नेस्टेड लूप जो होती हैं वो यूज़ करते हैं। अब जैसा कि हमारे पास इस लूप के अंदर जो है, एक तो इस साइड में इंक्रीमेंट हो रहा है और एक जो है वो इस तरीके से जो है वो हमारे पास इंक्रीमेंट हो रहा है। स्टूडेंट्स, अब इसको देखते हैं कि ये किस तरह से एग्जीक्यूट होगा। इसको हम अपने एडिटर में रन करके देखते हैं और इसकी आउटपुट। ओके स्टूडेंट्स, इसको अब हमने एडिटर में रन करके देखा है। स्टूडेंट्स, इसमें होता ही है कि फॉर लूप एक आउटर है और एक इनर है, और उसके अंदर हमने प्रिंट की स्टेटमेंट लिखी है और हमने जो नंबर्स प्रिंट करवाने थे वो लिखे हैं। अब होता क्या है, फॉर लूप फर्स्ट टाइम चलती है तो आई में क्या पड़ा है, आई में हमारे पास है आई इज इक्वल टू 1, और इनर लूप जो है उसमें जे में हमारे पास पड़ा है 0। ओके स्टूडेंट्स, जब फर्स्ट टाइम ये लूप चलती है तो आई के अंदर हमारे पास 1 है और साथ ही ये कंट्रोल इनर लूप में आ जाता है। अब जे में क्या पड़ा है 0, और हमने यहाँ पे रेंज में जो इस आई में वैल्यू पड़ी है उसको यहाँ पे यूज़ किया है। ओके स्टूडेंट्स, आई के अंदर 1 पड़ा है और जे के अंदर 0। अब हमने कहा है कि कितनी दफ़ा चले ये लूप, वो डिपेंड करता है आई पे, इस वेरिएबल पे डिपेंड करता है कि इनर लूप कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट होगी। फर्स्ट टाइम जब ये लूप चलती है, जब आई में 1 पड़ा है जे में 0 है, ये लूप चलती है, प्रिंट की स्टेटमेंट, उसके बाद आई में क्या पड़ा है इस टाइम, आई में हमारे पास 1 है, 1 प्रिंट हो जाता है, और उसके बाद कंट्रोल हमारा दोबारा शिफ्ट होता है इधर इनर लूप में, और अब जे में क्या पड़ा है 1। ये कंडीशन क्या होती है हमारे पास, यहाँ पे कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाती है और हमारा जो कंट्रोल है वो इधर से शिफ्ट हो जाता है दोबारा आउटर लूप पे। अब आई के अंदर हमारे पास क्या पड़ा था 1, अब आई की वैल्यू अपडेट होके 2 हो जाती है। उसके बाद जब दोबारा ये हमारा कंट्रोल जो है इनर लूप में शिफ्ट होता है तो जे की वैल्यू अगेन 0 से स्टार्ट होती है। अब जे के अंदर क्या पड़ा था 0, और आई के अंदर क्या पड़ा है 2।
एक दफा लूप चलती है तो जे के अंदर क्या पड़ा था, जीरो, और आई के अंदर हमारे पास क्या पड़ा था, इस टू। टू प्रिंट होता है, उसके बाद हमारा कंट्रोल इनर लूप पे ही शिफ्ट होता है। जे में क्या आता है, जो वैल्यू है जे की अपडेट होके 1 हो जाती है, ठीक है। उसके बाद फिर जो है क्या प्रिंट होता है हमारे पास, आई में क्या पड़ा है, टू। इसमें हमारे पास आई अपडेट नहीं हो रहा, जबकि जे की वैल्यू जो है वो हर आइट्रेशन में अपडेट होती है। उसके बाद जब दोबारा ये लूप चलती है तो जे में टू हो जाता है और ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है और हमारा कंट्रोल दोबारा आउटर लूप पे शिफ्ट हो जाता है। अब आई में क्या पड़ा था, टू, और आई की वैल्यू अपडेट होके 3 हो जाती है। उसके बाद हमारा कंट्रोल इनर लूप पे शिफ्ट होता है। अब जे दोबारा 0 से स्टार्ट होगा। अब जे के अंदर क्या पड़ा है, 0, और आई के अंदर क्या पड़ा है, 3। जीरो एक दफा लूप चली, आई प्रिंट हो गया 3। सेकेंड टाइम चली, जे में वैल्यू 1 हो गई, क्या प्रिंट हो गया, 3। फिर लूप चली जे में 2, फिर क्या प्रिंट हो गया, 3। फिर लूप चली जे में 3, और जैसे ही जे में 3 होता है तो हमारा कंट्रोल जो है वो आउटर लूप पे शिफ्ट हो जाता है। अभी आई में 3 पड़ा था, आई की वैल्यू 4 हो गई। जैसे ही आई की वैल्यू अपडेट हुई, आउटर लूप तब तक चलेगी जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। उसके बाद हमारा कंट्रोल इनर लूप पे शिफ्ट हो गया। अब जे में क्या पड़ा है, 0। जब हमारा कंट्रोल आउटर लूप से इनर लूप में शिफ्ट होता है तो इस वेरिएबल की वैल्यू अगेन 0 हो जाती है। अब 0 से स्टार्ट हुआ, फर्स्ट टाइम जब लूप चली तो आई की वैल्यू 4 हो गई। जे में 0 था, लूप चली, 4 प्रिंट हुआ, वैल्यू अपडेट होगी 1। लूप चली, 4 प्रिंट हुआ, वैल्यू अपडेट होगी 2। लूप चली, 4 प्रिंट हुआ, वैल्यू होगी हमारे पास 3। लूप चली, वैल्यू हो गई हमारे पास जे में 4। जैसे ही 4 हुई तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, कंट्रोल हमारा इधर शिफ्ट हो गया, आई में वैल्यू 5 हो गई और लूप जो है वो टर्मिनेट कर गई। तो स्टूडेंट्स, ये इस तरीके से वर्किंग करता है। इस तरीके से हमारे पास ये पैटर्न जो है वो प्रिंट होता है। ओके स्टूडेंट्स, अगर हमने इस तरह का पैटर्न प्रिंट करवाना हो तो हम किस तरीके से करवाएंगे? ओके, जो हमारे पास कैपिटल ए होता है उसकी आस्की हमारे पास होती है 65। अच्छा, आस्की टेबल आपको इंटरनेट से आसानी से मिल जाएगा। उसमें हर करेक्टर के जो आस्की कोड होते हैं वो लिखे होते हैं। जो कैपिटल ए होता है उसका आस्की कोड होता है 65, कैपिटल बी का 66 होता है, इसी तरह जो कैपिटल सी है उसका 67 होता है। तो स्टूडेंट्स, अगर हमने ये पैटर्न प्रिंट करवाना हो तो हम किस तरीके से करवाएंगे? जस्ट हमने क्या करना है, एक आस्की का करेक्टर लेना है और उसको वैल्यू साइन कर देनी है 65, क्योंकि जो कैपिटल ए होता है
उसकी ASCII होती है 65। ओके, उससे पहले हम एक और प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि ASCII किस तरीके से प्रिंट होती है। अच्छा, मैं जब इसको रन करता हूँ, एक वेरिएबल हमने ले लिया जिसको वैल्यू साइन कर दी 65 करेक्टर। उसके बाद हमने क्या किया, जो ASCII में क्या पढ़ा था 65, उसको किस में कन्वर्ट कर लिया, करेक्टर में। अब ये करेक्टर का फंक्शन हमने इसमें यूज़ किया है। अब हम जब प्रिंट करेक्टर करते हैं तो क्या प्रिंट होता है हमारे पास, ए। अगर इसको मैं 65 की जगह 66 करके प्रिंट करता हूँ तो प्रिंट क्या होगा, बी। इसी तरीके से अगर मैं करता हूँ 67 तो प्रिंट क्या होगा, हमारे पास सी प्रिंट होगा। तो स्टूडेंट्स, इसी तरीके से हम जो है हमारा पैटर्न, जिसमें ए फिर बी बी सी सी सी, इस तरीके का जो पैटर्न है, तो हम ASCII कोड की मदद से इसको प्रिंट करवाएंगे और नेस्टेड लूप यूज़ करेंगे। जैसे इससे पहले हमने एग्जांपल में एक पैटर्न प्रिंट करवाया जिसमें 1 फिर 2 2 फिर 3 3, उसी तरीके से हम इसको भी प्रिंट करवाते हैं। जस्ट हमने क्या किया, एक वेरिएबल लिया, उसको 65 असाइन कर दिया और हम उसमें एक का इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं। तो ये सेम जैसे पहली एग्जांपल देखी वैसे ही है, लेकिन इसमें हमारे पास जो करेक्टर हैं वो प्रिंट हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास स्टेटमेंट आती है ब्रेक की। अब ब्रेक क्या करता है, विद द ब्रेक स्टेटमेंट वी कैन स्टॉप द लूप बिफोर इट हैज़ लूप थ्रू ऑल द आइटम्स। ओके, अगर हम किसी स्पेसिफिक नंबर पे आके या कोई करेक्टर है या कोई वर्ड है तो अपनी लूप को टर्मिनेट करवाना चाहते हैं, तो हम ब्रेक का कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं। जैसे नीचे एग्जांपल में हमने एक लिस्ट बनाई फ्रूट के नाम से, उसमें एप्पल बनाना और चेरी है, और हमने इसमें कंडीशन लगा दी कि जैसे ही बनाना आए तो हमारी लूप क्या है, टर्मिनेट हो जाए। अब इसमें क्या होता है, फर्स्ट टाइम लूप चलती है तो जो हमारा एक्स का वेरिएबल है उसमें क्या आ जाता है, एप्पल। प्रिंट क्या होता है, एक्स। एक्स में क्या पड़ा था, एप्पल। उसके बाद हमने कंडीशन लगाई इफ एप्पल, और कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है, बनाना के साथ। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो क्या होगा, ब्रेक का जो स्टेटमेंट है या कीवर्ड है, कंट्रोल वहाँ पे शिफ्ट होगा और लूप को टर्मिनेट करवा देगा। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट टाइम एक्स में क्या पड़ा है, एप्पल, इसलिए ये लूप टर्मिनेट नहीं होती और कंट्रोल हमारा इधर से इधर शिफ्ट होता है। अब नेक्स्ट टाइम जो है वो फ्रूट में क्या पड़ा था, इंडेक्स 2 पे बनाना, तो एक्स में क्या आ जाता है, बनाना। और बनाना प्रिंट होने के बाद अब एक्स के अंदर बनाना पड़ा था, ये कंडीशन ट्रू होती है, और जैसे ट्रू होने के बाद इफ़ की बॉडी में आती है तो वहाँ पे क्या पड़ा था, ब्रेक, और ये लूप टर्मिनेट हो जाती है और जो चेरी वाला हमारे पास वर्ड था वो प्रिंट नहीं होता। तो स्टूडेंट्स, जब हमने अपनी लूप को ब्रेक करवाना हो या टर्मिनेट करवाना हो किसी स्पेसिफिक वैल्यू पे या करेक्टर पे या किसी वर्ड पे, तो हम क्या करते हैं, ब्रेक की स्टेटमेंट लगाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरीके से हमारे पास, ओके इसी एग्जांपल को दोबारा देखते हैं। अभी हमने क्या किया था, कंडीशन जो थी हमारी इधर लगी हुई थी, और उससे पहले एक जो प्रिंट का कीवर्ड है वो हमने यूज़ किया था। अब नेक्स्ट एग्जांपल में हम क्या करते हैं, प्रिंट जो है वो एंड पे करवाते हैं। ओके, अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले लूप चलती है तो एक्स में हमारे पास एप्पल होता है। अब
यहाँ पे जो कंपैरिजन है एक्स और बनाना का हो रहा है, एक्स में क्या पड़ा है एप्पल, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है और ब्रेक की जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाती है और एक्स का जो प्रिंट है वो इफ की बॉडी से बाहर है तो एक्स के अंदर एप्पल पड़ा है वो प्रिंट हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, कंटिन्यू क्या करता है, विद द कंटिन्यू स्टेटमेंट वी कैन स्टॉप द करंट आइट्रेशन ऑफ द लूप एंड कंटिन्यू विद द नेक्स्ट। ओके स्टूडेंट्स, कंटिन्यू क्या करता है, किसी स्पेसिफिक आइट्रेशन जो होती है उसको स्किप करवा देता है। सपोज कि हमारे पास हमने नंबर्स प्रिंट करवाने हैं 1, 2, 4 और 5। अब जो बाकी नंबर हैं वो एक सीक्वेंस से चलते हैं, जस्ट जो 3 का नंबर है वो हमने प्रिंट नहीं करवाना। अब इसमें क्या होता है, हम कंडीशन लगा देते हैं और उस कंडीशन के अंदर कंटिन्यू की स्टेटमेंट लगा देते हैं, 1 प्रिंट हो 2 प्रिंट हो, जैसे ही 3 प्रिंट हो तो वो कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाती है हमारे पास और उसके बाद इफ की बॉडी के अंदर हम कंटिन्यू की स्टेटमेंट लिखते हैं और उसको स्किप करने के बाद उस स्टेटमेंट को हमारा कंट्रोल दोबारा शिफ्ट हो जाता है लूप पे, 4 प्रिंट करवाता है 5 और लूप टर्मिनेट हो जाती है। एक एग्जांपल देखते हैं इसकी, हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें एप्पल, बनाना और चेरी पड़ा है। अब एक्स के अंदर फर्स्ट टाइम क्या होता है, एप्पल होता है, उसके बाद हमारे जो कंट्रोल है वो शिफ्ट होता है इफ पे। अब यहाँ पे जो कंडीशन है वो है जब तक एक्स के अंदर बनाना ना पड़ा हो तब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी। अब फर्स्ट टाइम एक्स के अंदर एप्पल है तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो हमारा कंट्रोल कंटिन्यू पे शिफ्ट होने के बजाय प्रिंट पे शिफ्ट होता है और एक्स के अंदर जो वैल्यू पड़ी है उसको प्रिंट करवा देता है। एक्स के अंदर एप्पल पड़ा है उसको प्रिंट करवाने के बाद हमारा कंट्रोल दोबारा फॉर लूप पे शिफ्ट होता है। अब सेकंड इंडेक्स पे बनाना है तो इफ की जो कंडीशन है वो ट्रू हो जाती है कंटिन्यू। अब कंटिन्यू जैसे ही कीवर्ड उसको नज़र आता है तो हमारा कंट्रोल कंटिन्यू से सीधा कहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, लूप पे। अब फॉर लूप पे अगर ब्रेक होता तो लूप टर्मिनेट हो जाती, लेकिन कंटिन्यू की वजह से कंट्रोल दोबारा हमारी फॉर लूप पे शिफ्ट हो गया और जो उससे कंटिन्यू से आगे स्टेटमेंट्स हैं या जो उसके आगे इंस्ट्रक्शंस दी हैं उनको स्किप करता है और कंट्रोल हमारा लूप पे शिफ्ट हो जाता है। कंट्रोल हमारा शिफ्ट हो जाता है फॉर लूप पे और बनाना वाली जो प्रिंट की स्टेटमेंट थी उसको स्किप कर देता है। नेक्स्ट टाइम लूप चलती है तो एक्स में चैरी आ जाता है, ये कंडीशन दोबारा फॉल्स हो जाती है और हमारा कंट्रोल प्रिंट पे शिफ्ट होता है और चैरी प्रिंट करवा देता है। अब इसमें उसने बनाना को स्किप किया क्योंकि ये कंडीशन जब एक्स के अंदर बनाना पड़ा होता है तो ट्रू होती है और इफ के अंदर हमारे पास कंटिन्यू की स्टेटमेंट है जहाँ से कंट्रोल हमारा दोबारा लूप पे शिफ्ट हो। ओके स्टूडेंट्स, अब पास की स्टेटमेंट क्या करती है, पास फॉर लूप्स कैन नॉट बी एम्प्टी। जैसे हमने पढ़ा कि इफ एल्स के बाद अगर हमने उसकी बॉडी में कुछ नहीं लिखना तो हम पास की स्टेटमेंट देते हैं, बट इफ़ यू फॉर सम रीज़न हैव अ फॉर लूप विद नो कंटेंट, अगर हमने फॉर लूप जो है या वाइल लूप है उसको हमने एम्प्टी छोड़ना है तो हम क्या करते हैं, पास की स्टेटमेंट लिखते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमारे पास आउटपुट में एरर आता है। ओके स्टूडेंट्स, जो ये पास होता है इसको हम प्लेस होल्डर भी कहते हैं। सपोज वी हैव अ लूप और अ फंक्शन डैट इज नॉट इम्प्लीमेंटेड येट। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम एक फंक्शन हम इसके बाद पढ़ेंगे, हम लूप या कोई फंक्शन बनाते हैं और हम उसकी डेफिनेशन नहीं करते, जस्ट हम उसको क्या करते हैं, डिक्लेयर करवाते हैं, अभी उसकी हमने डेफिनेशन नहीं करनी तो हम क्या करते हैं, पास की स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, बट वी वांट टू इम्प्लीमेंट इट इन द फ्यूचर। और अगर हमने किसी
किसी नेक्स्ट प्रोग्राम में या किसी और जगह पे उसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी है तो हम क्या करते हैं, पास की स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। क्योंकि अगर हम इसको खाली छोड़ते हैं कि बॉडी को लूप की या इफ एल्स या फिर फंक्शन जो हम पढ़ेंगे, तो क्या होता है आउटपुट में हमारे पास एरर आ जाता है। ओके स्टूडेंट्स, ये इसकी एग्जांपल है। एक लिस्ट है, उसमें 3 नंबर्स हैं और हमने पास की स्टेटमेंट दे दी। अब जैसे ही ये लूप चलेगी तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा आउटपुट में। ओके स्टूडेंट्स, एल्स इन फॉर लूप, इससे पहले हमने एल्स पढ़ा। इफ एल्स के साथ जो हमारे पास कंट्रोल स्ट्रक्चर था, उसमें जो हमने इफ एल्स पढ़ा था उसमें हमने एल्स को स्टडी किया था। ओके स्टूडेंट्स, द एल्स कीवर्ड इन द फॉर लूप स्पेसिफाइज अ ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड व्हेन द लूप इज फिनिश्ड। ओके स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास एक लूप है और जैसे ही वो लूप टर्मिनेट होती है तो उसके बाद एल्स की जो स्टेटमेंट होगी वो फौरन प्रिंट हो जाती है अगर हम लूप के बाद एल्स यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। प्रिंट ऑल नंबर्स फ्रॉम 0 to 5। ओके, यहाँ पे कंडीशन है 0 to 5, तो इसकी रेंज हम सेलेक्ट करेंगे 6। एंड प्रिंट अ मैसेज व्हेन द लूप हैज एंडेड। ओके, जैसे ही ये लूप टर्मिनेट होगी तो क्या होगा, हमारे पास एक मैसेज प्रिंट होगा। अब उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, जस्ट एक लूप लेंगे, ठीक है, फॉर एक्स इन रेंज 6 प्रिंट एक्स, और उसके बाद एल्स की स्टेटमेंट लगाएंगे और जो मैसेज हमने प्रिंट करवाना है वो एल्स की बॉडी में लिख देंगे। अब इसमें क्या होगा, फर्स्ट टाइम लूप चलेगी हमारे पास तो एक्स में 0 होगा, 0 प्रिंट होगा। उसके बाद लूप चलेगी एक्स में 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। अब 5 तक प्रिंट होगा, जैसे ही 6 होगा तो ये कंडीशन फॉल्स होगी और हमारा कंट्रोल कहाँ पे शिफ्ट होगा, एल्स में, और एल्स की बॉडी के अंदर हमारे पास जो स्ट्रिंग है प्रिंट और फाइनली फिनिश्ड की जो स्ट्रिंग है वो प्रिंट हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, इसकी इस तरह से आउटपुट होगी 0, 1, 2, 3, 4, 5 और उसके बाद फाइनली फिनिश्ड। ओके स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने पढ़ा कि फॉर नेस्टेड लूप क्या होती है, ठीक है, लूप विद इन लूप, और जो लूप्स हैं उसकी टाइप्स जो हैं आउटर लूप और इनर लूप की, वो सेम भी हो सकती हैं और डिफरेंट भी हो सकती हैं। उसके बाद हमने ब्रेक की स्टेटमेंट, कंटिन्यू की स्टेटमेंट को स्टडी किया, उनमें डिफरेंस देखा कि जो ब्रेक होती है वो लूप को टर्मिनेट कर देती है और उस लूप की बॉडी से कंट्रोल बाहर शिफ्ट हो जाता है, जबकि कंटिन्यू क्या करता है, वो उस आइट्रेशन को जो लूप की होती है स्किप करता है और कंट्रोल हमारा दोबारा लूप पे शिफ्ट हो जाता है। उसके बाद हमने पास को देखा, देन हमने देखा एल्स। एल्स क्या करता है, जैसे ही लूप टर्मिनेट होती है उसके बाद एल्स की जो बॉडी होती है वो एग्जीक्यूट हो जाती है।